हाय बच्चों पाठी, होपफुली यू कैन हियर मी एंड सी मी क्लियरली। मेरा नाम है शुभम पाठक और मैं आपको इस चैनल शुभम पाठक पे पढ़ाती हूँ क्लास 10 के SST बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन 40 मिनट के अंदर, बल्कि मैं ट्राई करूंगी कि 30 मिनट के अंदर आपको इस पूरे चैप्टर का रिविजन मिल जाए जिसमें हमें सब कुछ समझ आ जाए। एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स, मेंडल के लॉज, इनफैक्ट मोनोहाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन भी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मैं यहाँ पे आपको बायो के लेक्चर्स कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर रही हूँ। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल देन यू कैन श्योरली डू। ये जो आपको पीपीटी है, जो आपके नोट्स की तरह काम आएगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। आपको कोई ऐप या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, वो गूगल ड्राइव का लिंक है, यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर पीपीटी। चलो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन, लाइव चैट वाले बच्चे देंगे मुझे इसका आंसर कि एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के, मतलब कि एक स्पीसीज की पॉपुलेशन में जो अलग 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 ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसे आप क्या बोलोगे? वेरिएशन बोलोगे, इनहेरिटेंस बोलोगे, गमीट्स बोलोगे कि हेरिडिटी बोलोगे? बहुत ही सारे बच्चे इस चैप्टर में वेरिएशन, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी इस तरीके के डेफिनेशन में उलझे रह जाते हैं क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बच्चा वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा, एसेक्सुअल में चांसेस बहुत ही कम। वेरिएशंस तब होती हैं जब डीएनए की कॉपिंग होती है और डीएनए की कॉपिंग ही बेसिस है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और डीएनए की कॉपिंग जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें चेंजेस के या फिर गलती के या फिर आप बोलो वेरिएशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन वेरिएशंस हमेशा खराब नहीं होती हैं, कभी कभी वेरिएशन एक स्पीसीज की पॉपुलेशन को बरकरार रखने में कारगर भी होती हैं। कभी कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एनवायरमेंट में चेंजेस आ जाते हैं तो पॉपुलेशन में इन्हीं वेरिएशन की बदौलत स्पीसीज जो है कंटिन्यू करती है दुनिया में। ठीक है, चलो तो फिर हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी बच्चा ये पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी कि पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग वाली जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या ट्रेट्स, मेंडल उन्हें ट्रेट्स बोलता था, हम लोग उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पास ऑन होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को आप हेरिडिटी बोलते हो। बेसिकली विरासत में जो मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे आप बोल देते हो हेरिडिटी। नाउ ये सेक्सुअल में भी मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स। अगर हमारी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के प्रोटीन्स, या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी आर प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा प्रोटीन कितना बनेगा, कौन सा प्रोटीन नहीं बनेगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है? तो सोर्स होता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है, दैट इज नोन एज द सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। सो यू हैव टू राइट डीएनए इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। और बच्चा देखो, सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के फॉर्म में बहुत सारा क्रोमेटिन थ्रेड कोगुलेटेड पड़ा होता है ना? अगर इसको खोल के देखोगे तो बहुत ही लंबा सारा क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होके क्रोमोसोम के फॉर्म में पड़ा रहता है। लेकिन ये क्रोमेटिन थ्रेड किससे बना हुआ होता है? ये तो इससे बना हुआ होता है, डीएनए से बना हुआ होता है। और डीएनए बहुत लंबा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत लंबा सा टू डबल स्ट्रैंड होता है। इस डीएनए के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इन इंडिविजुअल पार्ट्स को बोला जाता है जीन्स। तो अलग अलग डीएनए के पार्ट्स, जो हर एक पर्टिकुलर पार्ट एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए खुद को एनकोड किए बैठा रहता है, और जब यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाती है तो वो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो इसका आंसर जीन नहीं आना था क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है सेल का जो सारे प्रोटीन्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। एक जीन जो है एक पर्टिकुलर प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है, इसलिए हमने डीएनए लिखा है। आप चाहते तो आंसर में डीएनए जीन्स ऑन डीएनए भी ऐसा भी आंसर लिख सकते थे, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो ट्रेट्स का मतलब होता है फीचर्स, मतलब की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब की बालों का रंग क्या होगा, आंखों का रंग क्या होगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट हो जाते हैं। लेकिन सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक पेरेंट से बच्चों में नहीं जाते, यानी कि सिंगर का बेटा सिंगर बनेगा और फुटबॉलर की बेटी फुटबॉलर बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है।
राइट. सो देर आर सम ट्रेट्स जिनकी वजह से जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आते हैं, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो वो बच्चों में भी वो ट्रेट्स देखने को मिलते हैं. उन ट्रेट्स को बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी कि हेरिडिटी के प्रोसेस में जो ट्रेट्स इंक्लूड हो गए उन्हें आप बोलोगे इनहेरिटेड ट्रेट्स. ऑन द अदर हैंड, जो आप अपनी जिंदगी में ट्रेड्स खुद से एक्वायर करते हो, भाई मैंने बेकिंग करनी सीख ली, मैंने बच्चों को पढ़ाना सीख लिया, मैंने गाना गाना सीख लिया, स्विमिंग करनी सीख ली, हॉर्स राइडिंग सीख ली, मैथमेटिक्स में एक्सेल कर लिया, ये सारे ट्रेड्स मैंने खुद ने अपने जीवन में अपने दिमाग की क्षमता से, लर्निंग एबिलिटी से एक्वायर किए हैं, तो ये वाले ट्रेड्स मेरे जेनेटिक मेकअप को चेंज नहीं करते. ये मुझे एज अ इंडिविजुअल चेंज कर रहे हैं क्योंकि मैं नई नई चीजें सीख रही हूँ, लेकिन उससे मेरे जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज नहीं आ रहा है. इसीलिए एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन नहीं होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स ऑन द अदर हैंड हो जाते हैं. तो इनहेरिटेड में जीन्स में चेंज आता है, एक्वायर्ड में जीन्स में चेंज या डीएनए में चेंज नहीं आता है. एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं जैसे कि डांसिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा. इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग, हाइट, कलर, स्किन कलर एक्सेट्रा. राइट. नेक्स्ट, द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड. अभी हमें समझ आ गया कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड है जो डीएनए से बना है, और डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जीन बोला जाता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए एनकोडेड होता है. लेकिन जीन के भी ऑल्टरनेट फॉर्म हो सकते हैं. देखो, हर ट्रेट के ऑल्टरनेट जीन्स होते हैं, हर ट्रेट के जीन्स होते हैं. अब कौन से पेरेंट से आपको कौन सा फॉर्म आया है उस जीन का, उस पे डिपेंड करेगा कि बच्चों में किस तरीके के ट्रेट्स देखने को मिलेंगे. और इसी एक पर्टिकुलर जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म को बोला जाता है एलील्स. क्या बोला जाता है? एलील्स. राइट. जैसे मान लो कि कोई प्रोटीन है जो आंखों का कलर एनकोड करता है, उस आंखों के कलर एनकोड करने वाले के लिए एक हमारे डीएनए सीक्वेंस में एक जीन है पर्टिकुलर, लेकिन वो तो अलग अलग फॉर्म का हो सकता है ना. उसी जीन का एक वेरिएशन हो सकता है जो बोलेगा कि आंखों का कलर नीला होना चाहिए, उसी जीन का एक वेरिएशन हो सकता है जो एनकोड कर रहा होगा आंखों के भूरे रंग के लिए, कोई काले रंग के लिए. सो ये जो ऑल्टरनेट फॉर्म है, आंखों के रंग के जीन वाले ही ऑल्टरनेट फॉर्म को आपने बोल दिया अलील. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एनी जीन इज नोन एज अलील. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीन. अभी इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो मैं आपको दो दो यहां पे डिफरेंसिएशन पॉइंट्स दे रही हूं. जीन तो आपको समझ आ गया ना, डीएनए का एक पर्टिकुलर शॉर्ट सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए या एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए खुद को एनकोड करता है उसे जीन बोला जाता है. अभी उसी जीन के जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं उसे आप एलील बोलते हो, है ना. जीन जो है फिनोटिपिक, जीन जो है ऑपोजिट फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है, और एलील जो है, अरे ये इधर आना था, ये इधर आना था बच्चा, ठीक है. जीन जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए खुद को एनकोड करता है, और अलील जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं. अभी लाइक आई गेव यू एन एग्जांपल कि आंखों के रंग के लिए मान लो हमारे डीएनए सीक्वेंस में एक जीन एनकोडेड है कि कौन सा प्रोटीन आंखों का रंग डिसाइड करेगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर जीन है, लेकिन उस जीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं ना. तो अगर मुझे मेरे पेरेंट्स से ऐसे अलील्स मिले हैं आंखों के रंग के जीन के लिए जो कह रहे हैं कि डार्क ब्राउन होना चाहिए मेरा आंखों का रंग, तो मेरा डार्क ब्राउन होगा. अगर मेरे पेरेंट्स से मुझे अलील मिला होता उस पर्टिकुलर जीन का जो कहता मेरी आंखों का रंग हरा होना चाहिए, तो फिर हरा होता. राइट. तो डिफरेंट अलील कैन प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स. हेटेरोजाइगस सिचुएशन है, होमोजाइगस सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खेल है सारा, हिट्रो होमो. आगे अच्छे से और समझ आएगा. चलो, व्हेन आर अलील्स सेड टू बी होमोजाइगस. एक जीन के अल्टरनेटिंग फॉर्म्स को हमने अलील्स बोल दिया. अब उन अलील्स को होमोजाइगस जब क्या कब बोला जाता है और हिटेरोजाइगस कब बोला जाता है, तो इसका एक बड़ा बेसिक सा फंडा है. वो बेसिक सा फंडा छुपा हुआ है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में. हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. सेक्स सेल्स को गमीट्स बोला जाता है. लड़कों में जो सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें स्पर्म बोलते हो, लड़कियों में जो सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें ओवा वो या एग बोलते हो. ये सब तो पढ़ा हुआ है. अब देखो, जब एक बेबी बनना होता है, जब एक ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक गमीट तो आता है, मतलब एक सेट ऑफ एलील्स आते हैं आपके मम्मा से, है ना. आधे क्रोमोजोम आए आपके मम्मा से और आधे क्रोमोजोम आए आपके पापा से, और बेबी में बनी ये स्टेज, यानी कि जायगोट में बनी ये स्टेज. राइट. सो होमोजाइगस स्टेज तब होती है जब जो अलील्स होते हैं एक पर्टिकुलर जीन के वो सेम होते हैं.
व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन, ऑल्टरनेटिंग फॉर्म से भाई डिफरेंट भी हो सकते थे, लेकिन जब दोनों पेरेंट्स से सेम ही तरीके के एलील्स आते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेट से रिलेटेड, पर्टिकुलर जीन से रिलेटेड, तो उसे होमोजाइगस सिचुएशन बोली जाती है। ऐसे प्लांट्स को मेंडल बोलता था प्योर ब्रीड प्लांट। जब वो बोलता था प्योर ब्रीड टॉल प्लांट या प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट, तो उसका मतलब होता था होमोजाइगस पी प्लांट टॉल, होमोजाइगस पी प्लांट डॉर्फ या शॉर्ट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जब एलील्स जो हैं एक पर्टिकुलर जीन के जाइगोट में डिफरेंट होते हैं तो उसे बोला जाता है हिटीरोजाइगस सिचुएशन। देखो, होमो का मतलब ही सेम होता है, हिटीरो का मतलब ही ऑपोजिट या डिफरेंट होता है। तो यहीं से आप अपनी डेफिनेशन डिराइव कर लो। नेक्स्ट, मेंडल पढ़ने कहाँ गया था? लाइव चैट जल्दी से मुझे बता दो, मेंडल कहाँ पढ़ने गया था? विच वॉज द यूनिवर्सिटी दैट मेंडल गो टू? श्योर, प्ले जेड आप कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए बच्चा, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकते हैं जनवरी में उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ए ए ए यूनिवर्सिटी ऑफ वेना, यूनिवर्सिटी ऑफ वेना, यस एब्सोल्यूटली राइट आंसर। द राइट आंसर इज किरण, यूनिवर्सिटी ऑफ वेना, ऑप्शन नंबर ए। ओके, व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंट? इतना इजी क्वेश्चन है, पर इस चैप्टर से इतनी बार आ चुका है। कभी 2 मार्क्स में आता है, कभी 1 मार्क्स में सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने के लिए आता है, कभी 3 में आता है, कभी 4 में आता है, 5 में नहीं आएगा, 5 में आएगा क्लब करके आएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स हमारे पास 4 5 बनते हैं। तो हम लेकिन आता जरूर है ये क्वेश्चन ना। तो जेनेटिक्स में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने थे, मेंडल के पास गार्डन था, मेंडल को एक ऐसा प्लांट चाहिए था जिससे उसकी स्टडीज जो है अच्छे से कंडक्ट भी हो जाए, उसको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े अपनी स्टडी कंडक्ट करने में, और रिजल्ट्स भी बड़ी जल्दी आ जाए। इन सारे के सारे क्राइटेरिया में पिसम सैटिवम यानी कि जो पी प्लांट्स है वो फिट बैठ रहा था। एक तो पी प्लांट में बड़े ही अच्छे तरीके से, डिस्टिंक्ट तरीके से आइडेंटिफिएबल ट्रेट थे। भाई एक जगह पर्पल फ्लावर है तो एक जगह व्हाइट फ्लावर है, एक जगह राउंड सीड है तो एक जगह रिंकल्ड सीड है, ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पी प्लांट्स में बहुत सारे मिल रहे थे, तो उसकी स्टडीज बहुत अच्छे से हो रही थी। दूसरा पॉइंट, पी प्लांट ना बड़ी जल्दी ग्रो कर जाता है, तो एक पेरेंट ग्रो करके आया है उसमें आपने सीड का कलर देख लिया है या सीड का कोट देख लिया है, फिर आप जब दोबारा प्रोजेनी लेते हो तो वो भी जल्दी से उग जाता है। भाई जितना कम टाइम पी प्लांट लेगा ग्रो करने में उतना ही तो एक्सपेरिमेंट का या स्टडी का जो टाइम है वो कम होता जाएगा ना। तो मेंडल के लिए स्टडी जल्दी कंक्लूड हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। थर्ड इज, मेंडल ने पी प्लांट इसलिए भी चूज किया क्योंकि पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेट भी कर लेते हैं और पी प्लांट क्रॉस पॉलिनेट भी कर लेते हैं। भाई F1 जनरेशन भी चाहिए थी, F2 जनरेशन भी चाहिए थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी चाहिए था, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी चाहिए था, इन सब के लिए पॉलिनेशन दोनों तरीके का जरूरी था। वो अभी हम आगे देखेंगे और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जल्दी उग जाते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उग जाते हैं, इसके साथ साथ इनमें ना बीमारी नहीं लगती, डिसीज रेसिस्टेंस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बीमारी नहीं लगती, मोस्टली ना कुछ पौधे होते हैं जो बड़े नाजुक होते हैं, ये नाजुक नहीं होते, इनमें बीमारियां बड़ी मुश्किल से लगती हैं। सो दिस वाज आल्सो पॉइंट। नेक्स्ट, नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि साइंटिफिक नेम लिख के आओ, तो आप नॉर्मल नाम भी, कॉमन नेम भी लिख दोगे तो चलेगा, मेंशन किया है तो लिख के आना। साइंटिफिक नेम है पिसम सैटिवम, एस को कैपिटल नहीं बनाना है क्योंकि ये नॉमनक्लेचर ये बोलता है साइंस में, बायो में, कि ऐसे लिखना है। अगर कर्सिव लिखा है तो नीचे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर कर्सिव में नहीं लिखा है तो नीचे अंडरलाइन कर देना, पिसम सैटिवम, ठीक है। अदरवाइज पी प्लांट। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वॉज ऑब्टेन बाय मेंडल इन F1 एंड F2 जनरेशन व्हेन ही क्रॉस द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स? राइट द फिनोटिपिक रेशियो ही ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन। अब ये बहुत ही ईजी है, हम इतनी बार क्रॉस बना चुके हैं, मैं दिखाई देती हूँ, रुको। सबसे पहले यहां पे लिख दिया गार्डन पी प्लांट पिसम सैटिवम, यहां पे आएगा ऐसे क्योंकि मैंने यहां पे नहीं किया है कर्सिव। दूसरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन बाय मेंडल इन F1 एंड F2 जनरेशन, ठीक है। तो पहले F1 जनरेशन में उसने क्या किया था कि दो प्योर ब्रीड प्लांट्स लिए थे, एक टॉल प्लांट लिया था, एक शॉर्ट प्लांट लिया था। लेकिन जब F1 जनरेशन से पहले, मतलब
दो प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स लिए, जब उनसे उनको क्रॉस किया, जब उनको क्रॉस पॉलिनेट किया तो उसे जो हाइब्रिड वैरायटी मिली उसे उसने फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोला, जो पहली जनरेशन आई वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हाइब्रिड वैरायटी तो थी लेकिन जीनोटेपिक लेवल पे थी। जीनोटेपिक लेवल में उसमें एक आपको शॉर्टनेस का भी एलील दिख रहा था और आपको और टॉलनेस का भी दिख रहा था, लेकिन फिनोटिपिक तरीके से वो सारे के सारे प्लांट क्या है, टॉल थे। अब पता कैसे चला कि भाई इनके जीनोटाइप में डॉफनेस का एक अलील तो प्रेजेंट ही था, वो पता ऐसे चला कि F2 जनरेशन की है ना, F1 जनरेशन को फिर बाद में सेल्फ पॉलिनेट करके F2 जनरेशन की, तब जाके यू नो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमें टॉलनेस और डॉफनेस देखने को मिला, और एक प्लांट था वहां पे जो डॉफ देखने को मिला। और यहीं से मेंडल ने कंक्लूड किया कि टॉलनेस एज अ ट्रेट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव एज अ ये डॉफनेस एज अ ट्रेट इज रिसेसिव, दैट इज वाई इस कंडीशन में हिटीरोजाइगस सिचुएशन में F1 में सारे के सारे प्लांट्स हिटीरोजाइगस टॉल थे, तो इस सिचुएशन में डॉफनेस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि सामने डोमिनेंट एलील प्रेजेंट था टॉलनेस का, लेकिन F2 जनरेशन में वो होमोजाइगस सिचुएशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाया, राइट। एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या था F2 जनरेशन का, 3 थे टॉल प्लांट्स और एक था आपका डॉफ प्लांट, तो 3:1। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस। बहुत ही ट्रिकी तरीके से दिया हुआ है लेकिन इट इज नथिंग बस लॉ ऑफ डोमिनेशन। 3 लॉज बताए हैं मेंडल ने, लॉ ऑफ डोमिनेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहली बात तो तीनों की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए और इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से लॉ के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि ट्रेट्स इनहेरिट तो हो जाते हैं, मतलब एक पेरेंट से बच्चों में तो चले जाते हैं लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाएंगे एक्सप्रेस, उससे पहले आपको जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स पता होना चाहिए, फिनोटाइप वर्सेस जीनोटाइप। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारी बॉडी में बहुत सब है, हमारी स्किन का कलर, बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे ट्रेट्स है, फीचर्स है, राइट। कुछ फीचर्स का जो जेनेटिक मेकअप होता है उसे आप जीनोटाइप बोलते हो। फीचर्स जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे नेकेड आई से वो फीचर्स दिखते हैं जो हमें सामने सामने दिख रहे होते हैं, उन्हें आप उनका फिनोटाइप बोलते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मेरी पी प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल। F1 जनरेशन में मेंडल के जितने प्लांट्स आए थे वो किस स्टेज में थे, देखो प्योर ब्रीड टॉल प्लांट लिया था, प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट लिया था, F1 जनरेशन आई थी आपकी इस तरीके की है ना, ये सारे हिटीरोजाइगस सिचुएशन में थे। अभी जेनेटिक मेकअप पे देखोगे, इसका जीनोटाइप देखोगे तो इसमें एक अलील टॉलनेस का भी, एक डॉफनेस का भी है, लेकिन जब इसका फिनोटाइप देखोगे तो ये प्लांट्स जो है सिर्फ टॉल थे। तो वही वो स्टेटमेंट कह रहा है कि कभी कभी ट्रेट जो है इनहेरिट तो होता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वही ट्रेट एक्सप्रेस होता है जो डोमिनेंट होता है, राइट। अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, दिस कुड बी एक्सप्लेन बाय द गिवन एग्जाम्पल। जब एक टॉल पी प्लांट एक डॉफ पी प्लांट के साथ F1 जनरेशन देता है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल होते हैं, लेकिन उसी F1 जनरेशन के हाइब्रिड प्लांट्स को अगर आप सेल्फ पॉलिनेट करके F2 जनरेशन लेके आओगे तो आपको टॉलनेस और डॉफनेस दोनों देखने को मिलेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में सेम ही चीज समझाई थी, दिस सजेस्ट दैट टॉलनेस एज अ ट्रेट इज डोमिनेंट एंड डॉफनेस इज रिसेसिव। सो डोमिनेंट वाले जो ट्रेट्स होते हैं वो खुद को चाहे होमोजाइगस सिचुएशन हो चाहे हिटीरोजाइगस सिचुएशन हो एक्सप्रेस कर ले जाते हैं, लेकिन रिसेसिव ट्रेट्स अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस सिचुएशन में कर पाते हैं एक्सप्रेस। नेक्स्ट, अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाय डबल कैपिटल जी एंड अ ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल स्मॉल जी आर अलाउड टू अंडरग्रो आ क्रॉस विद ईच अदर। कह रहा है कि एक हरे स्टेम वाला गुलाब का पौधा को हमने क्रॉस ब्रीड कराया है एक ब्राउन स्टेम वाले गुलाब के पौधे से। अब बताओ कि F1 प्रोजेनी की स्टेम का कलर क्या होगा। पहली बात तो क्वेश्चन में जो कैपिटल में दिया हुआ है ना वो यानी कि डोमिनेंट ट्रेट दिया हुआ है। ये डिपिक्शन जेनेटिक्स में हम डिपिक्ट ही ऐसे करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन जो है, ग्रीन स्टेम का कलर एक डोमिनेंट ट्रेट है और ब्राउन स्टेम का कलर एक क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। तो वैसे ही आपको आंसर दिख जाना चाहिए। वैसे मैं क्रॉस बना के दिखा देती हूँ बट हमें पता है कि एक प्योर ब्रीड डोमिनेंट ट्रेट और प्योर ब्रीड रिसेसिव ट्रेट अगर करेगा क्रॉस तो F1 जनरेशन में क्या होगा, है ना।
पर चलो कोई नहीं, हम करते हैं क्रॉस। ये हो गया ग्रीन प्योर ब्रीड, ये हो गया ब्राउन प्योर ब्रीड, जब इन्हें क्रॉस कराया तो इसके गमीट्स में भी सिर्फ, इसके गमीट्स कैसे बनेंगे, इसके गमीट्स बनेंगे ऐसे और इसके गमीट्स बनेंगे ऐसे। पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, अब तक तो वैसे रट गया होगा, पुनेट की जरूरत नहीं पड़ती होगी, बट करना है तो कर सकते हो। दिस इज योर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का कलर क्या होगा? कलर होगा ग्रीन। सबका क्या होगा कलर? ग्रीन। तो फर्स्ट का आंसर है कलर ऑफ द स्टेम वुड बी ग्रीन। परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम्ड प्लांट्स इन F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? F1 जनरेशन वाले प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करना पड़ेगा। तो एक गमीट ये, 50% चांसेस बड़े जी गमीट के, 50% चांसेस छोटे जी गमीट के। उसको आपने सेल्फ पॉलिनेट किया, आपको मिला ये। ये वाला जो प्लांट है ये होगा ब्राउन, ये वाला प्लांट होगा ग्रीन, ये वाला प्लांट होगा ग्रीन और ये भी प्लांट होगा ग्रीन। तो हर चार में से सिर्फ एक पौधा होगा जो निकलेगा आपका ब्राउन। तो इसको आप बोल सकते हो 1/4, या आप बोल सकते हो 25%। 25% पूछिए तो 25% चांसेस है। नाउ पूछा रेशियो बता दो इस प्लांट का और इस प्लांट का F2 जनरेशन। इसका और इसका रेशियो देखना। ये वाले दो हैं, ये वाले दो हैं और ये वाला जो है एक है, तो रेशियो आ जाएगा 1:1:2। ये हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, यहां पे मैंने लिख के भी बता दिया है लेकिन पीछे मैंने क्रॉस की तरह दिखा दिया था। बच्चा आप क्रॉस जितनी बार बनाओगे, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो डोंट थिंक कि इसका कोई शॉर्टकट है, आपको क्रॉसेस बना के देखना ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों पूछ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डाई हाइब्रिड क्रॉस का सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है। यहाँ पे मोनो हाइब्रिड आना चाहिए, दिस इज मोनो हाइब्रिड। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 जो भी पहले समझा, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। नेक्स्ट, व्हाट इज द, ये तो रट लो, मतलब ये तो आपको मैम कैसे आया, मैम हम हर बार पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करके देखें क्या इस रेशियो के लिए, नहीं, ये तो रट्टा मार लो। ये जितनी बार भी पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करोगे किसी भी ट्रेड के लिए करोगे वो यही आना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेड्स एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। व्हाई आर द ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका मेंडल के लॉ से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो सिंपली एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बेसिस पे है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, नो मैटर 3 मार्क्स में आया है कि 5 मार्क्स में आया है, एग्जाम्पल जरूर लिख के आएंगे। 5 मार्क्स में है 2-3 एग्जाम्पल, 3 मार्क्स में है 1 एग्जाम्पल काफी है। चलो, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस किया जाता है तो सिर्फ वही ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में अपियर होता है जो डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव अलील बेचारा अनएक्सप्रेस रह जाता है क्योंकि सिचुएशन जो होती है F1 जनरेशन में वो हाइब्रिड होती है, हिटेरोजाइगस होती है। राइट, नाउ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो हम जिंदगी में एक्वायर तो करते हैं जैसे लर्निंग, स्विमिंग, यू नो, डांसिंग, लेकिन वो आगे आने वाली जनरेशन में पास ऑन इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये हमने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किए हैं, और ये एक्वायर करने से हमारे गमीट्स में या हमारे जीन्स में कोई चेंजेस नहीं आया, हमारे DNA में कोई चेंजेस नहीं आया। DNA इज द सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। DNA आगे जाके बच्चों में हमारे ट्रेट्स को एक्सप्रेस करता है। तो DNA में बदलाव ही तब आता है जब ट्रेट्स इनहेरिटेड होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स में कभी भी DNA में बदलाव नहीं आता है। इसीलिए अगर आपने स्विमिंग सीखी है तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों को भी स्विमिंग आएगी, अनटिल एंड अनलेस आप उन्हें खुद से सिखा दो। नेक्स्ट, स्टेट द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अलॉन्ग विद अ डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिर्फ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको दूसरा वाला लिखना है और डाई हाइब्रिड क्रॉस बना के दिखाना है। लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बड़ा सिंपल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मियोसिस की बात करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि देखो जब गमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है ना तो आपके क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। अब क्रोमोसोम बनाए डीएनए से, डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस जो प्रोटीन के लिए एनकोड करते हैं उन्हें बोलते हो जीन्स। अब जीन्स डिफरेंट तरीके के भी हो सकते हैं, जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी हो सकते हैं, उन्हें आप बोलते हो एलील्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गमीट फॉर्मेशन होती है, मियोसिस होता है, तब जो ये एलील्स के पेयर हैं ये सेग्रीगेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस या ड्यूरिंग द सेल डिविजन। इतना सिंपल सा है, बोलता है कि हर एक ट्रेट एक दो एलील्स में प्रेजेंट होता है। मतलब जब भी आप बनाते हो टी या ऐसे तो दो एलील्स बनाते हो ना आप, लेकिन जब गमीट फॉर्मेशन हो रही होती है तो ये एलील्स जो है सेग्रीगेट कर जाते हैं। दिस इज व्हाट इट सेज। नाउ हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना है। एक सेकेंड, इरेज कर दे। ओके, प्योर ब्रीडिंग हमने क्या लिया, पेरेंट लिया प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट, फिर हमने लिया प्योर ब्रीडिंग डॉर्फ प्लांट, हमने जब उसकी F1 जनरेशन देखी क्रॉस ब्रीडिंग करके तो हमारे पास सारे प्लांट आए जो इस तरीके के दिखते थे। ये दिखते तो टॉल थे लेकिन इनका जीनोटाइप कुछ इस तरीके का था। फिर हमने इनको किया डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना है, रुको डाई हाइब्रिड क्रॉस बना देते हैं। वही मैं बोलूँ, मैं कुछ तो बोल रही हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बनाती हूँ। मतलब जब क्वेश्चन में अगर पूछा नहीं हुआ है या पूछा नहीं हुआ है या बताया नहीं हुआ है कि कौन से आपको लेने हैं ट्रेट्स डाईहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो फिर आप जो अभी तक लेते आए हो, जो एनसीईआरटी में पढ़ते आए हो, वही ले लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमने लिया एक प्योर प्लांट, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में एक और प्योर प्लांट ले लिया, F1 जनरेशन आई कुछ ऐसी। F2 जनरेशन में ये चार तरीके के गमीट्स बन सकते थे, एक गमीट बन सकता था ये, एक गमीट बन सकता था ये, एक गमीट बन सकता था ये, और एक बन सकता था ये। यहां पे भी ऐसे ही लिख लेंगे हम, क्योंकि हम सेल्फ ब्रीडिंग करा रहे हैं। सेम ही सेट ऑफ गमीट्स है हमारे पास, है ना। अब देखो प्रोजेनीज कैसे बनेंगी, ये F2 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर है। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप समझ ही जाओ। इसको क्रॉस चेक करना मत भूला करो, जितनी बार भी आप ये बना लो कभी कभी एक आधी गलती हो जाती है, इट इज ह्यूमन एरर, कहीं छोटा वाई बड़ा वाई लिख देते हैं, तो क्रॉस चेक कर लेना एक बार पेपर में बना के। देखो जैसे मैंने ये कर दिया ना, यहाँ बड़ा वाई आना था। और इसका फीनोटिपिक रेशियो क्या है, काउंट करोगे तो सेम ही आएगा, वरना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो रट लेना चाहिए 1 मार्क्स के लिए। 9:3:3:1, ये वन वाला कौन सा है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ह्यूमन बेबी रिसीव्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द बेबी बीइंग अ गर्ल।
पापा से जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि वाई क्रोमोसोम आया है, बेबी के गर्ल होने के चांसेस कितने हैं। तो बेबी के गर्ल होने के चांसेस तो 0% है, क्योंकि फादर का ही क्रोमोसोम जो है डिफाइन करता है बेबी का सेक्स। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो 100% चांसेस है कि लड़की होगी, और फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा तो 100% चांसेस है कि लड़का होगा। वाई क्रोमोसोम स्टैंड फॉर अ मेल ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन स्पीसीज। नेक्स्ट, वॉट आर सेक्स क्रोमोजोम, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग। सेक्स क्रोमोजोम पहली बात होते क्या है, ऐसे क्रोमोजोम जो किसी ऑर्गेनिजम्स का सेक्स डिफाइन कर सकते हैं, मोस्टली उन्हें गमीट्स भी बोला जाता है, उन्हें आप बोलते हो सेक्स क्रोमोजोम, राइट। ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है सेक्स क्रोमोजोम की बदौलत होता है, अलग बाकी स्पीसीज की तरह हमारे में एनवायरमेंट रोल प्ले नहीं करता। हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए सेक्स मतलब गमीट्स होते हैं या सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसे आप डिनोट करते हो एक्स वाई से, हिटेरोजाइगस सिचुएशन होती है। फीमेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होमोजाइगस सिचुएशन में दोनों एक्स एक्स, राइट। अब देखो फीमेल्स में तो गमीट बनेंगे, गमीट बनेंगे तो अलील का सेग्रीगेशन होगा, जो मेंडल बोल के गया था सेकेंड लॉ में। तो जब अलील का सेग्रीगेशन होगा तो एक गमीट में हो सकता है एक्स जाए, दूसरे में भी तो एक्स ही जाएगा क्योंकि ये तो होमोजाइगस सिचुएशन में। लेकिन जब इनके गमीट बनेंगे, मेल्स के गमीट बनेंगे, तो चांसेस है कि 50% ऐसे बनेंगे और 50% ऐसे बनेंगे, है ना। तो जब आप इनका पुन्नेट स्क्वायर बनाते हो तो मदर से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आता है, फादर से या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। अगर फादर से एक्स आया तो मदर के एक्स के साथ मिलके एक्स 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 बनाएगा, अगर फादर से वाई आया तो मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलके एक्स वाई बनाएगा। तो ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देर आर 50% चांसेज ऑफ हैविंग अ बेबी गर्ल एंड 50% चांसेज ऑफ हैविंग अ बेबी बॉय, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन विच क्रोमोजोम द जाइगोट इज गेटिंग, विच सेक्स क्रोमोजोम द जाइगोट इज गेटिंग फ्रॉम द फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वहां मैंने पूछा है सेक्स क्रोमोजोम क्या होते हैं, यहाँ मैं पूछ रही हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और इज द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी ऑलवेज एनवायरमेंटली डिटरमाइंड। क्या नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी का जो सेक्स होता है हमेशा एनवायरमेंट डिफाइन करता है। इस स्टेटमेंट को आपको अपने सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ इलैबोरेट करना है। पहली बात तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन होता है या डिसाइड होता है जेनेटिक मटेरियल की कॉम्पोजिशन पे बेस होके, उसे आप सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हो, जैसे कि ह्यूमन बींग्स वाला अभी हमने पहले पढ़ा। अब सारी स्पीसीज में ऐसे नहीं होता है कि जेनेटिकली डिफाइन होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। कई स्पीसीज होती हैं जहां पे एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे रेप्टाइल की स्पीसीज हैं जहां पे जब एग बन जाता है, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि एग फर्टिलाइज हो गया, अभी जायगोट नहीं बना है लेकिन एग फर्टिलाइज हो गया है, तब उस अंडे के आसपास यानी कि उस फर्टिलाइज एग के आसपास क्या टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करेगा कि एग के अंदर जो जायगोट बनेगा उसका क्या होगा, मतलब फर्टिलाइज एग जो जायगोट बनाएगा उसका क्या होगा सेक्स। सिमिलरली कुछ और एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेल्स होते हैं, वो इंटरचेंज कर लेते हैं सेक्स, मतलब वो सेक्स उनका जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है, दे कैन चेंज देयर सेक्स अकॉर्डिंगली। लेकिन ह्यूमन बींग्स में सेक्स जो है हमारा जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, सेक्स क्रोमोजोम से डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मुझे पता नहीं है कि आपके स्कूल में कराया गया है कि नहीं कराया गया है, लेकिन कई सारे स्कूल में कराया गया है। एक बार लाइव चैट बता दो ना, आपके स्कूल में कराया है क्या ये। ब्लड वाला कराया है, हमारी बायो टीचर ने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी कराया। बच्चों बिल्कुल भी नहीं आएगा पेपर में, चिंता मत लो। जीनोटाइपिस बच्चा एक ट्रेट का जेनेटिक मेकअप क्या होता है नवीन, और फिनोटाइपिस वो एक्सप्रेस होके कैसा दिखता है। तो जीनोटाइप अगर बड़ा टी और छोटा टी है तो वो जीनोटाइप हो गया, लेकिन उसका फिनोटाइप तो आपको दिखेगा कि वो दिख कैसा रहा है, बेसिकली टॉल। यस मैम, ठीक है, कई सारे स्कूल्स में कराया भाई, कर देते हैं। मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड द डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ, मतलब कि फादर का ब्लड ग्रुप ए दिया हुआ है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ दिया हुआ है और बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ओ। क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ है आपके लिए ये बताने के लिए टू टेल यू विच ट्रेस ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। वट क्राइटीरिया वुड यू यूज टू एक्सेस इट। ओके, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप के केस में क्या होता है, यहां बता देती हूँ। ब्लड ग्रुप के केस में रिसेसिव कौन से होते हैं,
रिसेसिव ब्लड ग्रुप है आपका ओ, डोमिनेंट ब्लड ग्रुप्स हैं ए एन बी दोनों, ठीक है, दोनों डोमिनेंट है, ओ आपका रिसेसिव है। तो ओ को कौन सी सिचुएशन चाहिए होगी अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करने की, होमोजाइगस सिचुएशन। ए और बी को कौन सी सिचुएशन चाहिए होगी, होमोजाइगस भी चल जाएगी भाई और हिटेरोजाइगस भी चल जाएगी, इतना समझ आया राइट। अभी ओ के कैसे टाइप हो सकते हैं, अगर किसी ह्यूमन बींग का आपको श्योर सेट पता है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, क्योंकि होमोजाइगस सिचुएशन होनी चाहिए भाई, दोनों एलील जो है यही कैरी करें, यही इंफॉर्मेशन कैरी करें। ऑन द अदर हैंड अगर एक, अगर बोला हुआ है कि किसी लड़की का मान लो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें तो दोनों सिचुएशन हो सकती है ना, अगर ब्लड ग्रुप ए बोला है तो होमो सिचुएशन में तो ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों पेरेंट्स से उसे ए ए का इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन हिटेरोजाइगस सिचुएशन भी तो हो सकती है कि मम्मा से मान लो ए का मिला था या पापा से मान लो ए का मिला था और दूसरे पेरेंट्स से उसे ओ की इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन बेचारा ओ तो रिसेसिव ट्रेट है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया। इसीलिए जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक पेरेंट का ब्लड टाइप ए है और एक पेरेंट का ब्लड टाइप ओ है, इससे डॉटर के ब्लड ग्रुप का श्योर सेट आंसर हम नहीं बता सकते, 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि बाई चांस अगर उनके पेरेंट इस सिचुएशन में थे तो ब्लड ग्रुप, मतलब ये सिचुएशन थी तो ब्लड ग्रुप बच्चे का पक्का ही क्या होगा, ए, क्योंकि ए डोमिनेंट है। लेकिन अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पेरेंट हिटेरोजाइगस सिचुएशन में था तो देर आर चांसेस कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है, ठीक है, ये समझ आया। तो ए और बी के केस में ऐसा होता है। अच्छा एक और चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, व्हाट इफ मैम पेरेंट्स का ए और बी है, मतलब मान लो पेरेंट नंबर वन से आया आपको ये, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी, ए बी बी तो एक ब्लड ग्रुप होता है, राइट। इस तरीके से आपको पुनेट स्क्वायर बना के प्रोबेबिलिटी देखनी है, मान लो एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है, दूसरे का ब्लड ग्रुप है ये, जस्ट इमेजिन। तो इसके गमीट्स कैसे बनेंगे, ऐसे, इसके गमीट्स कैसे बनेंगे ऐसे, बच्चे की पॉसिबिलिटी बताओ भाई, ये हो गई पॉसिबिलिटी। तो 50% चांसेस है बच्चे के ब्लड ग्रुप बी होने के और 50% चांसेस है ए बी होने के। तो इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। बस ये समझ लो कि जो ब्लड ग्रुप ए और बी है वो को डोमिनेंट है अगर साथ में है तो, अगर ओ के साथ में है तो वो डोमिनेंट है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो हमेशा क्या है, रिसेसिव है, उसे होमोजाइगस सिचुएशन में होना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ओके ग्रेट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे दे रही हूँ होमवर्क क्वेश्चन, चिंता मत करो, जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी उसमें इन होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर होगा, बट प्लीज ट्राई करना कि आप खुद से इनको आंसर कर पाओ, बहुत ही इजी हैं। मेंडल के कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे जो शो करते हैं कि ट्रेट्स इनहेरिट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ लिखना है और उसे एक्सप्लेन करना है डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ। दूसरा क्वेश्चन है कि चांस की ही बात है कि एक कपल का बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो एक फ्लो चार्ट बना के, तो पुनेट स्क्वायर बना देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड दिस पीडीएफ इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डोंट फॉरगेट कि अगर वीडियो अच्छा लगा, ये क्वेश्चंस ने आपकी मदद की तो लाइक करना मत भूलना और कॉमेंट्स में मुझे आंसर बताना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय एंड सी या।